Hello and welcome again to the maths class with me Sarika on maths cookies. This is exercise 13.2 from the class 7 and chapter number 13. This is question number 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? कह रहा है से ट्रू और फॉल्स. ट्रू बताना है या फॉल्स बताना है और क्या करना है एंड जस्टिफाई योर आंसर. और आपका जो क्वेश्चन दे रखा है उसको जस्टिफाई करना है. जब भी जस्टिफाई आता है तो वहां पर आपके पास एक एक्सप्रेशन होता है जो LHS और RHS को बिलोंग करता है. तो जस्टिफाई का मतलब ही यही है कि आप पहले LHS निकालें और उसके बाद RHS निकालें और दोनों को बैलेंस करें, देखें कि दोनों इक्वल हैं. अगर इक्वल है तो आंसर आएगा यस, अगर इक्वल नहीं है तो आंसर आएगा नो. ठीक है, तो स्टार्ट करें. फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 10 टेस्ट की पार्ट 11 इक्वल टू 100 टेस्ट की पार्ट 11. तो पहले हम LHS की तरफ चलते हैं. LHS हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई 10 टेस्ट की पावर 11. ओके, फॉर्मूला यहाँ लॉ लगेगा आपके पास. ए रेस टू द पावर एम मल्टीप्लाई ए रेस टू द पावर एम दैट इज ए रेस टू द पावर एम प्लस एन. ठीक है, ये हम लॉ लगाते हैं तो ये आ जाएगा 10 रेस टू द पावर 1 प्लस 11 दैट इज 10 रेस टू द पावर 12. तो ये मेरा LHS है. RHS में मेरे पास है, RHS में देखते हैं क्या है. RHS है 100 रेस टू द पावर 11. अब 100 को अगर हम ब्रेकअप करें तो 100 मेरा बनाता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10. ठीक है, और 100 के लिए हम लिख सकते हैं 10 रेस टू द पावर 2. ठीक, तो अभी 100 की जगह क्या लिखेंगे 10 रेस टू द पावर 2. तो हमने लिखा 100 रेस टू द पावर 11 इक्वल टू 10 रेस टू द पावर 2 और इसकी पावर क्या आ गई 11. अब ये आपके पास निकल के आता है m और जहां पावर्स आपकी मल्टीप्लाई होती थी m n. ठीक है, अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 रेस टू द पावर ये आ गया 22. तो आपका LHS बना है ये और RHS बना है ये. तो हम यहाँ लिख लेते हैं 10 रेस टू द पावर 12 और ये आपके पास आया 10 रेस टू द पावर 22. तो LHS और RHS आप देखिए दोनों डिफरेंट आ रहे हैं. इसका मतलब क्या है, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा आपके पास 4. तो आपके पास आ जाएगा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS और आंसर में आएगा फॉल्स. ठीक है, इसी तरह से आगे वाले क्वेश्चंस भी करते हैं. सेकेंड पार्ट कह रहा है 2 रेस टू द पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 रेस टू द पावर 2. आपको बताना है ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है. तो पहले LHS देख लेते हैं. LHS है मेरे पास 2 रेस टू द पावर 3. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी आपको क्या करना है, पावर्स आपको खोलनी है. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है इसको. तो ये आपके पास आ गया 2 टू जा 4 4 टू जा 8. ठीक है, अभी RHS के लिए देख लेते हैं. RHS कह रहा है 5 रेस टू द पावर 2 दैट इज 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25. अब आपके पास LHS 8 था और RHS था आपके पास 25, वो था डिफरेंट. ठीक है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS तो आंसर बनेगा इसका भी फॉल्स. ठीक, अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट दैट इज 2 रेस टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेस टू द पावर 2 इक्वल टू 6 रेस टू द पावर 5. अब यहां पर भी हम क्या करेंगे, इन पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं. तो LHS के लिए मेरे पास है 2 रेस टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेस टू द पावर 2. इसको खोल लेते हैं. इसके लिए आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 2 टू जा 4 4 टू जा 8 और इसके लिए आ जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 9. अभी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है. ये आ जाएगा आपके पास 72. तो आपका LHS आया 72 और RHS के अंदर आपके पास है 6 रेस टू द पावर 5 और इसको सॉल्व कर लेते हैं. 6 को 6 5 टाइम्स लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन के अंदर. ये आ गया आपके पास ये 1 2 3 4 5. इसको सॉल्व कर लीजिए. 6 6 36. ये आ गया आपके पास 36. 36 6 का दैट इज, फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये भी 36 हो जाएगा और ये इस लास्ट में 6 बचेगा. तो 36 मल्टीप्लाई 36 दैट इज 6 6 36 एंड 3 21 18 कैरी 1 और ये आ गया 10 6 9 2 1. ठीक है, अभी 6 से अगेन मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी. 6 6 36 कैरी 3 57 कैरी 5
12 और 5 दैट इज 17 कैरी 1 7, ठीक है, आ जाएगा आपके पास आंसर में 7 7 7 7 7 6, ठीक है। जब हम इसके 6 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 777,776। तो आपके पास LHS में आया 72 और RHS के अंदर आया ये वाला आंसर। तो दोनों क्या है, दोनों हमारे अनइक्वल है, तो इसीलिए ये भी हमारा क्या बनेगा, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो आंसर आएगा आपके पास फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज फोर्थ पार्ट, एंड फोर्थ पार्ट इज दैट फोर्थ पार्ट है आपके पास 3 to the power 0 इक्वल टू 1000 raised to the power 0, ठीक है। LHS के लिए आपके पास गिवन है 3 raised to the power 0, ये आपके पास बनेगा 1, किस लिए 1 बनेगा, a raised to the power 0 1 होता है, इसीलिए 3 raised to the power 1 बनेगा। अभी ये RHS देख लेते हैं, RHS दैट इज 100 raised to the power 0, अगेन ये भी हमारे पास क्या बनेगा, ये भी हमारे पास आएगा 1, क्योंकि a raised to the power क्या होता है 1 होता है, तो 1 LHS है और ये भी आपके पास RHS भी 1 है, सो LHS इक्वल टू RHS, आंसर आएगा आपके पास ट्रू। दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, लेट्स कम ऑन द फोर्थ क्वेश्चन, एंड फोर्थ क्वेश्चन इज दैट एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको ये करना आता है तो आपको सोचिए कि आपको 75% काम करना आता है आपको एक्सपोनेंट एंड पार्ट्स के अंदर। अभी क्वेश्चन में करना क्या है, जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है ना उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू पार्ट्स के अंदर एक्सपोनेंट बना दीजिए, पार्ट्स बना दीजिए उसकी, तो आपके पास बाकी सारा काम वही है जो हमने पहले 3 क्वेश्चन में करा है। तो यहाँ से 108 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 192 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहले हम 108 के करते हैं, यहाँ से हम 108 ले लेते हैं, ये आपका 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट नंबर क्या है, इवन नंबर है, तो ये आ जाएगा आपके पास 54, अगेन 2 से दैट इज 27, ठीक है। अभी 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 9s are, अगेन 3 से 3 3s are, अगेन 3 से 1, ठीक है। तो हमारे पास पार कितनी बनी, 2 multiply 2 दैट इज 2 की पावर 2, और 1 2 3, 3 की पावर कितनी बनी है, 3 बनी है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, जब हम 108 लिखेंगे तो 108 की जगह अब की बार हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 raised to the power 2 multiply 2 raised to the power 3, ठीक है। अभी 192 की बना लेते हैं, तो 192 के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, ये 2 से डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 2 9s are 18, 2 6s are 12, ठीक है। अगेन 2 से 2 4s are 8, 2 8s are 16, अगेन 2 से दिस इज 24, अगेन 2 से दिस इज 12, अगेन 2 से दिस इज 6, अगेन 2 से दिस इज 3, अगेन 3 से अभी आ जाएगा 2 3s are 6, और ये आ जाएगा 3 3s are 1, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास पार क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 6, तो जो 2 है वो कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 6 टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आ जाएगा 2 raised to the power 6, और 3 हमारे पास सिंगल आ रहा है तो 3 raised to the power 1। अब लिखना शुरू करते हैं, करना कैसे है, आपका 80% काम हो चुका है। अब हमने 108 की जगह क्या लिखना है, 2 raised to the power 2 multiply 2 raised to the power 2 multiply 3 raised to the power 3, ठीक है। मल्टीप्लाई 192 की जगह हम लिखेंगे 2 raised to the power 6 multiply 3 raised to the power 1। अब इतना करने के साथ ही आपको पता चल गया होगा कि करना क्या है, लॉ लगाना है प्लस वाला, तो लॉ लगा देते हैं, a raised to the power m multiply a raised to the power n, दैट इज a raised to the power m plus n, ठीक है। अब ये यूज कर लीजिए, ये 2 raised to the power 2 multiply 2 raised to the power 6 एक साइड लिख देते हैं हमने, और 3 raised to the power 3 multiply 3 raised to the power 1 को एक साइड लिख देते हैं, ये आ जाएगा 2 plus 6 multiply 3 plus 1,
इसको ऐड करके आता है 2 raised to the power 8 multiplied 2 raised to the power 4 और सॉरी ये आएगा 3 आएगा आपके पास यहाँ पे 3 raised to the power ये आ जाएगा तो ये आपका बनेगा आंसर 2 raised to the power 8 multiplied 3 raised to the power 4 ओके सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं सेकेंड पार्ट कह रहा है 270 ओनली अब इसको फैक्टराइजेशन करना है प्राइम फैक्टर के थ्रू तो यहाँ से सिर्फ आपकी ये प्रैक्टिस हो रही है आप पहले भी कर चुके हैं तो ये आपके आ जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 1 2 2 3 6 एंड 2 5 ठीक है अभी देखते हैं 3 से कटिंग हो रही है क्या 5 एंड 3 8 एंड 1 9 दैट बिल्कुल हो रही है जी क्यों 3 से डिवाइड होगा 3 4 12 एंड 3 5 अगेन 3 से जाएगा 3 1 3 5 अगेन 3 से जाएगा 3 5 और अब 5 से जाएगा 5 1 ठीक है तो हमारे पास क्या बना 2 एक है 3 कितने 1 2 3 तो 3 की पावर आ गई 3 मल्टीप्लाई 5 एक है तो 5 की पावर आ गई तो अब 270 की जगह हम क्या लिखेंगे ये लिखेंगे 2 multiplied 3 raised to the power 3 multiplied by 5 And this is the answer. अच्छा आगे बच्चे क्या करेंगे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ये जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है इसको रफ पीछे नोटबुक के पीछे या जब हम एग्जाम कर रहे होते हैं तो हम रफ शीट में लिखते हैं नहीं इसको रफ शीट में नहीं शो करना है क्योंकि हमारा तो क्वेश्चन ही यही है यहाँ देखो ये कह रहे प्राइम फैक्टर्स ओनली तो आपको ये शो करके दिखाना पड़ेगा कि ये भी इसी का पार्ट है क्वेश्चन का पार्ट है तो जहाँ आप ये निकाल रहे हैं कैसे आया जब आपने ये निकाला तभी आया तो इसको भी आपको शो करना ये आपका सारा रफ की जगह फेयर पार्ट है ओके थर्ड पार्ट है हमारे पास 729 multiplied by 64 यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर है इनके आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पहले हम 729 का करेंगे पहले देखते हैं देखिए ये इवन नंबर नहीं है लास्ट में से 2 से डिवाइड नहीं होगा ये क्या 3 से डिवाइड हो रहा है 9 and 2 7 and 2 9 9 and 9 18 बिल्कुल हो रहा है क्योंकि 3 का मल्टीपल है तो यहाँ से आ जाएगा 3 2 6 3 4 12 and 3 3 9 अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है 3 8 and 3 1 अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है 3 2 6 3 7 अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है दिस इज 9 अगेन 3 3 and 3 1 ठीक है तो यहाँ 3 की कितनी रिपीटेशन हुई है 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ आ जाएगा 3 multiplied 3 multiplied 3 multiplied 3 multiplied 3 multiplied 3 1 2 3 4 5 6 तो इसकी जगह हम लिखेंगे 3 raised to the power 6 ठीक है इसी तरह से 64 देख लेते हैं तो 64 को यहाँ लिख लेते हैं ये आगे 64 2 से डिवाइड होगा 32 अगेन 2 से 16 अगेन 2 से 8 अगेन 2 4 अगेन 2 2 और ये आ जाएगा 1 तो यहाँ 2 की कितनी रिपीटेशन हुई है 1 2 3 4 5 6 2 की भी 6 हुई है तो ये आ जाएगा 2 multiplied 2 into 2 दैट इज 2 raised to the power 6 ठीक है अभी 729 की जगह लिखेंगे 3 raised to the power 6 multiplied 64 की जगह लिखेंगे 2 raised to the power 6 और ये बनेगा मेरे पास आंसर ओके फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास फोर्थ पार्ट है हमारे पास 768 इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इसके पार्ट्स निकाल लेते हैं नंबर्स के तो ये आ जाएगा 768 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 3 2 8 and 2 4 अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 1 2 9 and 2 2 4 अगेन 2 से डिवाइड होगा 2 9 and 2 6 ठीक है अगेन 2 से 2 4 2 8 अगेन 2 से 2 2 2 4 अगेन 2 से दैट इज 12 अगेन 2 से दैट इज 6 अगेन 2 से 3 और अब की बार 3 से जाएगा तो यहाँ देखते हैं 2 की कितनी रिपीटेशन हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ आ जाएगा हम इसको लिखेंगे 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 multiplied by 3 ठीक है अब इसकी जगह लिखेंगे 2 raised to the power 8 multiplied by 3 और ये बनेगा आपका आंसर दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 ओके लेट्स मूव ऑन द फिफ्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज अगेन सिंपलीफाई है
जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन करा था एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन है और इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है 2 raised to the power 5 एंड होल पावर 2 मल्टीप्लाई 7 raised to the power 3, यहाँ 8 raised to the power 3 है और अगेन मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ 8 के हम प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं। तो जब हम 8 को आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 4, ये आया 2 से 2 एंड 2 से 1, सो 8 के लिए हम लिखेंगे 2 raised to the power 3, क्योंकि जो 2 है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास आएगा a raised to the power m का होल पावर m, दैट इज a raised to the power m। ठीक है, पहला हमारा यहाँ लग रहा है ये चीज, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 raised to the power 5 होल पावर 2, दैट इज 2 raised to the power 10। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 raised to the power 10। तो ये आ गया 2 raised to the power 10 मल्टीप्लाइड 7 raised to the power 3, और 8 के लिए हमने क्या लिखना था, ये लिखना था 2 raised to the power 3, और इसकी भी पावर हमें 3 गिवन है मल्टीप्लाई 7। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 raised to the power 3 का होल पावर 3, दैट इज मल्टीप्लाई होगा 2 raised to the power 9। ठीक है, दोबारा से लिख लेते हैं, अपॉन 2 raised to the power 9 मल्टीप्लाई 7। अब देखो ये सबकी बेस, दोनों नंबर्स के बेस सेम है और डिवाइड में है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, माइनस करना है a raised to the power m डिवाइड बाय a raised to the power n इक्वल टू a raised to the power m minus n। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ से ये आ जाएगा 2 raised to the power 10 माइनस 9 मल्टीप्लाई 7 raised to the power 3 माइनस 1, यहाँ पे कुछ नहीं इसका मतलब 1 है, तो ये आ जाएगा, ये आ गया आपके पास 2 raised to the power 10 माइनस 9, दैट इज 2 raised to the power 1 मल्टीप्लाई 7 raised to the power 2। अच्छा, ये यहाँ तक भी हो सकता है और ये हो सकता है कि आप जो पावर्स है इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो 7 raised to the power 2 दैट इज 7 multiplied 7 इक्वल टू 49। तो इसको सॉल्व कर भी हम लिख सकते हैं 2 multiplied by 49, और 49 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज 98। तो ये हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है 25 multiplied 5 raised to the power 2 मल्टीप्लाई 3 raised to the power 8 अपॉन 10 raised to the power 3 मल्टीप्लाई 3 raised to the power 4। तो यहाँ देखो 25 ब्रेकअप हो सकता है, ठीक है, 5 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 10 हो सकता है। ठीक है, तो पहले 25 को करते हैं, तो 25 के लिए हम लिखते हैं 5 multiplied by 5 और हम लिख सकते हैं 5 square। ठीक है, 10 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 10 के लिए हम लिख सकते हैं 2 multiplied by 5। ठीक, अभी क्या करें, 25 की जगह लगेंगे 5 raised to the power 2, यहाँ लिखते हैं 5 raised to the power 2 मल्टीप्लाई 5 raised to the power 2 मल्टीप्लाई 3 raised to the power 8 अपॉन, अब ये आ गया आपके पास 2 multiplied by 5 raised to the power 3। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 raised to the power 4। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये जो पावर है ये 2 के साथ भी है और 5 के साथ भी है, तो हम ये लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 3 raised to the power 8 अपॉन 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाई 5 raised to the power 3 मल्टीप्लाई 3 raised to the power 4। ठीक है, अभी क्या हो गया, ये आपके पास डिवाइड में आ गया, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर फिर इसके साथ मैच कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला लग रहा है a raised to the power m मल्टीप्लाई a raised to the power n, दैट इज a raised to the power m plus n। ठीक है, दूसरा हमारे पास लॉ लगेगा, यहाँ से डिवाइड आएगा a raised to the power m डिवाइडेड बाय a raised to the power n, दैट इज a raised to the power m minus n। ठीक है, पहले हम ये लगाते हैं उसके बाद ये लगाएंगे, तो इसके लिए हम लिख देते हैं 5 raised to the power 2 plus 2 मल्टीप्लाई 3 raised to the power 8 अपॉन 2 raised, यहाँ से लिख देते हैं 5 raised to the power 3 मल्टीप्लाई 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाई 3 raised to the power 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यह आ जाएगा 5 raised to the power 4 मल्टीप्लाई 3 raised to the power 8 अपॉन 5 raised to the power 3 मल्टीप्लाई 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाई 3 raised to the power 4। ठीक है, आगे इसको भी डिवाइड में कर लेंगे और इतने पार्ट को भी हम डिवाइड में कर लेंगे।
तो ये आ जाएगा 5s to the power 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3s to the power 8 माइनस 4 अपॉन 2s to the power 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 5s to the power 1 मल्टीप्लाई 3s to the power 4 अपॉन 2s to the power 3। ठीक है, आप यहीं तक भी इसको छोड़ सकते हैं और आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये आएगा आपके पास 5 t raised to the power 4 और जब हम 2 raised to the power 3 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 multiply 2 multiply 2 दैट इज 8। ठीक है, तो यहाँ 2 raised to the power 3 की जगह हम लिखेंगे 8 और ये हमारा बनेगा आंसर। ओके, लेट्स कम ऑन द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज दैट 3 raised to the power 5 multiply 10 raised to the power 5 multiply 25। ठीक है, अपॉन 5 raised to the power 7 multiply 6 raised to the power 5। 3 ब्रेकअप नहीं हो सकता, 10 हो सकता है, 25 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो हम इसको पहले ब्रेकअप कर लेते हैं। 10 के लिए हम लिखेंगे 2 multiply by 5। ठीक है, 25 के लिए हम लिख सकते हैं 5 multiply by 5 दैट इज 5 square। ठीक, 6 के लिए हम क्या लिखेंगे 2 multiply by 3। तो हमें ये टर्म्स यूज करनी है अपनी, जहां पर हमारा 10 आ रहा है उसकी जगह हम लिखेंगे ये, 25 आ रहा है उसकी जगह लिखेंगे ये, और 6 आ रहा है उसकी जगह हम लिखेंगे ये। तो यहां से करते हैं 3 raised to the power 5 multiply 10 की जगह हमें 2 multiply 5 whole power 5। ठीक है, और 25 के लिए 5 raised to the power 2 अपॉन 5 raised to the power 7 मल्टीप्लाई 6 के लिए क्या लिखना था 2 multiply 3 raised to the power 5। ठीक है, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं मल्टीप्लाई वाले को। तो ये आ जाएगा 2 की भी 5 आएगी और 5 की भी 5 आएगी, 2 raised to the power 5 मल्टीप्लाई 5 raised to the power 5 मल्टीप्लाई 5 raised to the power 2 अपॉन, यहां से नीचे आ जाएगी, ये आ गया 2 raised to the power 5 मल्टीप्लाई 3 raised to the power 5। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व होने के बाद आप देखिए इसको, जहां जो नंबर्स एक जैसे आ रहे हैं उनको एक साइड लिख लेते हैं जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ मेरे पास 5 और 5 है, ऊपर से ये सॉल्व हो सकता है, नीचे हमारे पास ऐसा कोई टर्म नहीं है। तो हम 3 को इधर लिख सकते हैं, 2 को इधर लिख सकते हैं, 5 को इधर लिखे जा सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ से 3 raised to the power 5 मल्टीप्लाई 2 raised to the power 5 मल्टीप्लाई 5 raised to the power 5 मल्टीप्लाई 5 raised to the power 2 अपॉन, अब यहाँ से 3 को इसके नीचे ले आते हैं और 2 को 2 के नीचे ले आते हैं और 5 को इधर ले आते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास लॉ लगेगा एड वाला, a raised to the power m मल्टीप्लाई a raised to the power n दैट इज am+n। दूसरा लॉ हमारे पास डिवाइड में लग रहा है, तो a raised to the power m डिवाइडेड बाय a raised to the power m दैट इज a raised to the power m-n। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करके हमारे पास आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3 raised to the power 5। पहले हम ये करेंगे इसके लिए, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 raised to the power 5 मल्टीप्लाई 5 raised to the power 5+2 अपॉन 3 raised to the power 5 मल्टीप्लाई 2 raised to the power 5 मल्टीप्लाई 5 raised to the power 7। सॉल्व करके हमारे पास आता है 3 raised to the power 5 मल्टीप्लाई 2 raised to the power 5 मल्टीप्लाई 5 raised to the power 7 अपॉन 3 raised to the power 5 मल्टीप्लाई 2 raised to the power 5 मल्टीप्लाई 5 raised to the power 7। ठीक है, अभी डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने पे हमारे पास आता है 3 raised to the power 5 - 5 मल्टीप्लाई 2 raised to the power 5 - 5 मल्टीप्लाई और 5 raised to the power 7 - 7। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लास्ट हमारा देखो सब जगह 0 बन गया, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3 raised to the power 0 मल्टीप्लाई 2 raised to the power 0 मल्टीप्लाई 5 raised to the power 0 और आंसर क्या आएगा 1 × 1 × 1 दैट इज 1। ये आपका बनेगा आंसर और हमारी यहाँ पर तीसरी आ रही है 0 = 1। तो ये 3 आपकी आइडेंटिटी यूज हो रही है और आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली यू विल स्कोर फुल मार्क्स।